दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया को रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मुकाबले में सुपर ओवर खेलना पड़ा, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। जी हां, अंतिम तीन गेंद पर भारत को जीत के लिए चाहिए थे 18 रन। स्ट्राइक पर थे कुनफू पांड्या, गेंदबाजी से तहलका मचाने को बेकरार थे मुस्तफिजुर रहमान, फिर गेंद और बल्ले के बीच हुए घमासान में लिखा गया नया इतिहास। तो आखिर कैसे अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या ने किया मैच ड्रॉ? कैसे हार्दिक ने दो गेंद पर ताबड़तोड़ छक्के जड़कर पलट दिया मैच का पूरा रुख? आखिर कैसे सूर्य विराट के साथ मिलकर हार्दिक ने बचाई भारत की लाज? इस रोमांचक सुपर ओवर, इस कांटे के मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, हार्दिक और सूर्या में कौन सबसे महान बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, लीग स्टेज और सुपर एट के पहले मैच में तहलका मचाने के बाद जब इंडिया और बांग्लादेश की चिर प्रतिद्वंदी दिग्गज टीमें एंटीगोवा के सर विवियन रिचर्डसन स्टेडियम में एक दूसरे के सामने उतरी, तब गेंद और बल्ले के बीच हुए कांटे के घमासान ने तो पूरे क्रिकेट जगत को हक्का बक्का करके रख दिया। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब किस्मत चमकी भारत के कप्तान रोहित शर्मा की और उन्होंने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और फिर जो हुआ उसे इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। जी हां, भारतीय गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए बांग्लादेश ने हमें 208 रनों का लक्ष्य दिया, जिसमें शाकिब अल हसन और लिटन दास ने तो तहलका ही मचा दिया, जिसकी बदौलत बांग्लादेश टीम के सामने 207 रन बनाने में कामयाब रहा। इस बार शाकिब ने 80 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं 52 रन बनाकर लिटन दास ने भी महफिल लूटी। आखिर में महमदुल्ला ने कुछ अच्छे शॉट खेलकर अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुँचा दिया। हालांकि एक समय तो ऐसा लगा था कि बांग्लादेश 150 रन भी नहीं बना पाएगी, क्योंकि केवल 15 रनों पर टीम इंडिया ने उनके तीन बल्लेबाज ढेर कर दिए थे, लेकिन फिर शाकिब और लिटन ने अपनी टीम को संभाल लिया और इतने बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से तांडव मचाते हुए सबसे अधिक 5 सफलताएं हासिल की, वहीं एक विकेट अक्षर पटेल को भी मिला। वहीं बाकी गेंदबाजों को निराशा हाथ लगी। अब टीम इंडिया को 20 ओवरों में 208 रनों की दरकार थी। आपको बता दें, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 3 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 36 रनों के पार था। इन दोनों ने बांग्ला गेंदबाजों को हक्का बक्का कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में गेंदबाजों पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे, लेकिन चौथे ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगा और पंत 9 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें तस्कीन अहमद ने पवेलियन की राह दिखाई। अब मैदान पर आंखों में अंगार लिए आ गए थे किंग कोहली। मैदान पर मौजूद थे भारत के दो सबसे महान बल्लेबाज, जो बांग्लादेश को पल भर में तबाह बर्बाद करने का दमखम रखते हैं। कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने तेजी से भारत को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू किया, पर दोस्तों, बांग्लादेश के कातिलाना पेस अटैक के आगे दोनों ही बल्लेबाज जूझते नजर आए। तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान ने दोनों को बांधे रखा था, लेकिन तूफान को कोई कब तक रोक सकता है? कोहली ने मुस्तफिजुर के ओवर में लगातार 2 छक्के और 1 चौका ठोकते हुए ये बताया कि आखिरकार किंग कौन है। उन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनपने लगी थी। दोनों ने देखते देखते टीम इंडिया को मैच में बराबरी पर ला खड़ा किया। 50 रनों से अधिक की मैच विनिंग साझेदारी बनाई, जिसकी बदौलत ही भारत 10 ओवरों के बाद 109 रन तक पहुंच गया था। लेकिन फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रोहित शाकिब अल हसन की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने 48 रनों की एक शानदार पारी खेली। अब मैदान पर मौजूद थे किंग कोहली और हार्दिक पांड्या। जी हां, ये वही बल्लेबाज हैं जिनसे इस वक्त दुनिया भर, खास तौर पर बांग्लादेश के गेंदबाज खौफ खाते हैं। टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी। बता दें, दोनों ने संभलकर भारत को जीत की तरफ बढ़ाना शुरू किया। 14 ओवरों में टीम इंडिया 140 रन भी नहीं बना पाई थी, तभी इन दोनों सुपरस्टार ने काउंटर अटैक करने का मन बना लिया। इन दोनों के बीच देखते ही देखते 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। कोहली ने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 32 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया था। पांड्या भी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर इंडिया ने मुकाबले को अंत तक पहुंचा दिया। नतीजा हुआ कि भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे, जो इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। बांग्लादेश के सबसे खतरनाक गेंदबाज तस्कीन अहमद आखिरी ओवर डालने के लिए आए और उनकी पहली गेंद पर विराट ने शानदार चौका लगाया। अब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 15 रन बनाने थे, अभी भी जीत काफी दूर नजर आ रही थी। लेकिन तस्कीन की दूसरी गेंद पर भी विराट ने एक और चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंदों में 11 रन रह गए। सबको लगा कि एक और बाउंड्री आने वाली है, लेकिन तभी तीसरी गेंद पर तस्कीन ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। अब कुनफू पांड्या स्ट्राइक पर आ गए। अब 3 गेंदों में बनाने थे 10 रन,
ठीक उसी वक्त अपना विकराल रूप दिखाते हुए तस्कीन की चौथी गेंद पर हार्दिक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। दो गेंदों में मात्र 4 रन की जरूरत थी। टीम इंडिया की जीत आसान लग रही थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास गेंदबाज तस्कीन ने यहां भी वापसी की और एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर पांड्या कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अब एक गेंद पर 4 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर थे हार्दिक, सबको लगा कि टीम इंडिया जीत जाएगी, लेकिन इस पर हैरानी की बात यह है कि हार्दिक बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। हालांकि दौड़कर इन दोनों ने चीते की तरह फुर्ती दिखाते हुए कुल 3 रन बटोर लिए और इस मैच को ड्रॉ कर दिया, जिस पर किसी को भरोसा नहीं हो पाया क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश का कांटे का ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये तो ड्रॉ हो गया था। ऐसे में एक बार फिर थर्ड एम्पायर और रेफरी ने सुपर ओवर से मैच को रिजल्ट निकालने का फैसला किया। एक बार फिर दोनों टीमें सज गईं सुपर ओवर के जबरदस्त घमासान को देखने के लिए, जहां दोबारा से बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। उनकी तरफ से बल्ले से तहलका मचाने के लिए शाकिब के साथ महमूदुल्ला की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। उनके सामने गेंदबाजी का जलवा दिखाने आए थे भारत के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, लेकिन इंडिया की जीत की उम्मीदें तो उस समय खत्म होती नजर आईं जब पहली 3 गेंद पर ही महमूदुल्ला ने एक के बाद एक 3 ताबड़तोड़ छक्के जड़कर बुमराह की हालत खराब कर दी। तो जाते जाते ओवर की अंतिम 2 गेंद पर शाकिब ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके जड़कर अपनी टीम को 27 रनों तक पहुंचा दिया। अब भारत के सामने उनके 28 रनों का माउंट एवरेस्ट जैसा लक्ष्य था, जिसका पीछा करना तो बच्चों का खेल बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लगा कि भारतीय टीम हार गई है। अब हिंदुस्तान की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए खुद T20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्या के साथ हार्दिक पांड्या की खौफनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। उनके कंधों पर 140 करोड़ भारतीय फैंस के चेहरे पर मुस्कान लाने की इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी थी और उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी करने आए मुस्तफिजुर रहमान की पहली गेंद पर सूर्या ने उनका स्वागत मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्के से किया, तो दूसरी ही गेंद पर उन्होंने थप्पड़ की तरह एक और करारा चौका जड़ बांग्ला टाइगर्स के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि तीसरी गेंद पर वो केवल सिंगल ले पाते हैं। पहली 3 गेंद पर केवल 11 रन बने थे। अब आखिरी 3 गेंद पर भारत को जीत के लिए 17 रन चाहिए थे। बांग्लादेश के खिलाड़ियों के चेहरे पर खौफ था हार्दिक पांड्या का, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे कारनामे करने में PhD हासिल की हुई है। अब यहां से दुनिया में केवल पांड्या इकलौते खिलाड़ी थे जो भारत को जीत दिलाने के काबिल थे, और आखिर ऐसा क्यों था ये उन्होंने बहुत जल्द दिखाया जब चौथी गेंद पर मुस्तफिजुर की बाउंसर को उन्होंने अपने ट्रेडमार्क हुड शॉट से छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। तो 5वीं गेंद पर जब शाकिब के कहने पर मुस्तफिजुर ने स्लोअर बॉल डाली, इस बार हार्दिक 2 कदम आगे निकले और गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्के में तब्दील कर बांग्लादेश के खेमे में हाहाकार मचा दिया। निराश भारतीय फैंस में खुशी की लहर वापस आ चुकी थी, क्योंकि हार्दिक ने 2 गेंद पर 2 छक्के जड़कर मैच पलट दिया था। अंतिम गेंद पर केवल छक्का भारत को जीत के लिए चाहिए था। यहां पर गेंदबाज ने एक जोरदार यॉर्कर मार दी, सबको लगा कि भारत हार गया, लेकिन तभी हार्दिक का बल्ला गरजता है। उन्होंने अपने पिकअप शॉट या कहें मिनी हेलीकॉप्टर से उस गेंद को उड़ाया और ऐसा उड़ाया कि वो तो स्टेडियम पार छक्के के लिए जा गिरा, और इस नामुमकिन कारनामे को मुमकिन कर हार्दिक ने अपने देश हिंदुस्तान को एक कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया, जहां हार्दिक सबके दिलों में छाप छोड़ गए। बांग्लादेश तो खून के आंसू रोने लगा, उन्हें तो भरोसा नहीं था कि ये क्या हुआ, जहां 22 जून को होने वाले ऑफिशियल मैच से पहले इस प्रैक्टिस मैच में एक बार फिर टीम इंडिया ने बांग्लादेश को रौंदकर खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया में कौन बनेगा इस बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन? अपनी कीमती राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।